औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। गिलानी फ़ार्म यूट्यूब चैनल में मैं हूं आपका मेज़बान शबीर गिलानी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कबल इसके कि मैं अपनी वीडियो की तरफ चलूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो सामीन कराम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो अपने लिए कैसे मुफीद बना सकते हैं या बेनिफिशियल बना सकते हैं। मैंने ज़रूरी समझा कि क्योंकि हम आए रोज़ देखते रहते हैं कि हमारे बहुत से नौजवान बच्चे बच्चियां जवान बूढ़े मर्द औरतें जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है और वो सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की, बिलखसूस हमारे देहाती या पहाड़ी इलाकों में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप देखें तो हर तीसरे बंदे के नाम की आपको यूट्यूब चैनल है। तो वो तो इतना खैर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो फेसबुक पे आपको हर शख्स नज़र आएगा, ख्वाह वो बूढ़ा है जवान है मर्द है औरत है, कोई ऑफिसर है आम बंदा है, कोई आलम दीन है, कोई सियासी रहनुमा है या सियासी कारकुन है, सबकी आपको फेसबुक आईडी आपको नज़र आएगी। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया या मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने इसको बेनिफिशियल बनाने की कोशिश की। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी ये वीडियो आखिर तक देखें, ये इंतहाई आपके लिए मुफीद होगी। तो सोशल मीडिया को हम कैसे मुफीद बना सकते हैं? चलो, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज की हद तक हैं उनको तो इस चीज़ का बखूबी इल्म होता है, लेकिन जो लोग सिर्फ फेसबुक ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए मेरी एक गुजारिश है या जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है कि हम इसको अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले अगर आपको इस हवाले से बताया जाए कि जो यूट्यूब चैनल जिस पे मैं और आप एक दूसरे से मुखातब हैं, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये एक यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को बनाने का तरीका ये है कि आपको कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई तगो दो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये करें कि अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप खुद या आप किसी से एक अपनी ईमेल आईडी बना लें, ख्वाह वो जीमेल पे हो या किसी पे भी हो, और उसके बाद आपके नाम का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और यूट्यूब चैनल के लिए ज़रूरी है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हों और 4000 घंटे वॉच टाइम। उस यूट्यूब चैनल के लिए आपको अपनी वीडियोज़ बना के अपलोड करना पड़ती हैं, उसके लिए कोई सीखना या देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वो सिंपली आप एक वीडियो बनाएं, उस पर क्लिक करें, शेयर का ऑप्शन आएगा, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, आपके यूट्यूब चैनल का भी ऑप्शन आ जाएगा और आप यूट्यूब चैनल यूट्यूब के आइकन पे जो है वो आप क्लिक करें और वो आपकी वीडियो जो है वो शेयर होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए और आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है। मोनेटाइजेशन ऑन होने का ये मतलब है कि आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि आपके लिंक्स होने चाहिए और आप अपनी वीडियोस जो है वो लोगों को शेयर कर सकें और उन्हें कहें कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकें। तो मैं दूसरा आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि हमें किसी भी अपने जानने वाले का जो तल्लक वाले हैं या हमसे उम्मीद रखते हैं, हमारे पास जब उनका लिंक आता है तो हमें चाहिए कि हम वो लिंक खोल के उनकी वीडियो जो है वो देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सब्सक्राइब करने में किसी का कोई ख़र्चा नहीं होता, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, हमें फ़राख दिली के साथ उनके यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आप फ़र्ज़ किया कोई किसी भी पॉलिटिकली वाले से या रिलीजियस है या कोई किसी भी टॉपिक पे अगर आप आपके पास कोई बंदा वीडियो शेयर करता है तो अगर आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है तो आपको चाहिए कि वो वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर कर लें। मुमकिन है किसी दूसरे के को काम की बात हो और वो भी उसको सब्सक्राइब कर ले, उस तरह यूट्यूबर का वॉच टाइम जो है वो इनक्रीज़ हो सके। इसी तरह मैं आपको अगर बताऊं कि फेसबुक पेजेस हैं या फेसबुक ग्रुप हैं, उसके हवाले से इंशाल्लाह हम आपको तफसील के साथ हर एक का बताने की भी मैं कोशिश करूंगा अपनी अगली वीडियोस में। उसमें यह है कि आप अगर एक फेसबुक पेज बनाते हैं, उस पर आपने कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, कोई अच्छे वाक़यात लिखते हैं, कोई दूसरों के या अपने लिंक्स में जितने दोस्त हैं या रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात हैं, जिस तरह अभी करोना वायरस के हवाले से बात चल रही है या अर्तुगरुल गाज़ी का एक ड्रामा जो है वो बहुत मशहूर हुआ है, आप उस हवाले से कोई वीडियो अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दें, कोई आर्टिकल या कोई कॉलम या कोई तहरीर उसमें आप डाल दें,
जो दूसरों की दिलचस्पी के लिए हो। जब वो दूसरे उसको देखेंगे तो वो आपका पेज लाइक करेंगे, वो आपका व्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए इंशाल्लाह फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप्स जो हैं उनके हवाले से तफसील के साथ भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट बना के उस पर आपके पास नॉलेज है या आपको कोई तावन करने वाला है तो आप फेसबुक वेबसाइट से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। खैर वो थोड़ा सा वेबसाइट का मुश्किल काम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप्स पे आप तवज्जो दें और अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय दूसरों को भी ये बात कहें, बल्कि एक दूसरे के साथ शेयर करें। जो जो दोस्तों के फेसबुक पेजेस या ग्रुप्स के मेंबर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, व्यूज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, फ़र्ज़ किया आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं या जितने और भी लोग हैं उनके साथ आप रब्ता करें ताकि आपके पेजेस या आपके यूट्यूब चैनल्स या आपके जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उनको हम सब मिल के एक दूसरे के साथ प्रमोट कर सकें। तो यकीन है कि आप इस पर दिलचस्पी लेंगे। अगर आप फेसबुक पेज के हवाले से यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, इस पर व्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, इसके सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाया जाता है या इसका वॉच टाइम कैसे बढ़ सकता है, उस हवाले से आपको यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोज़ मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की मिल सकती हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि जो लोग हमारे साथ लिंक में हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं या फेसबुक पे या मुख्तलिफ पेजेस पे हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको ये मैं बताना ज़रूरी समझ रहा था कि हमें इस सोशल मीडिया को अपना वक्त फजूल में ज़ाया करने के बजाय हम इसको अपने लिए मुफीद बना सकते हैं। तो यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल्स के हवाले से, फेसबुक पेजेस के हवाले से या किसी भी हवाले से आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको अपना नंबर दूँगा और आपको गाइड करूँगा। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आपसे यकीन करता हूँ कि आप हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है ये सब्सक्राइब करेंगे और इसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।